हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है जेंडर रिलीजन एंड कास्ट। हमारे देश भारत में हमें अलग अलग जेंडर के लोग देखने को मिलते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग देखने को मिलते हैं और कास्ट के बेसिस पर भी लोग बटे हुए होते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा हमारे देश में ही नहीं बल्कि इस तरह का डिवीज़न पूरी दुनिया में होता है और ना ही ये कोई चिंता का विषय है हमारी डेमोक्रेसी के लिए। पर मैटर ये करता है कि इन तीनों के कंटेस्ट में हमारी पॉलिटिक्स किस तरीके से परफॉर्म करती है और पॉलिटिक्स पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। और साथ में हम ये भी जानेंगे कि जो ये सोशल डिफरेंसेस होते हैं वो हमारी डेमोक्रेसी के लिए अच्छे होते हैं या नुकसानदायक होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा जेंडर एंड पॉलिटिक्स। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जेंडर डिवीज़न के बारे में। जनरली क्या होता है, मेल और फीमेल के बीच में डिवीज़न देखने को मिलता है और ये जो इस तरीके का हिरार्कियल सोशल डिवीज़न होता है वो हमें हर तरफ देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि ऐसा डिवीज़न हमें केवल हमारी इंडिया में ही देखने को मिलता है, बल्कि इस तरह का डिवीज़न हमें वर्ल्ड वाइड देखने को मिलता है, बट इसे हमारी पॉलिटिक्स में बहुत कम रिकॉग्नाइज किया जाता है। हम अक्सर ऐसा सोचते हैं, हम ऐसा समझते हैं कि जो ये जेंडर डिवीज़न होता है वो नेचुरल और अनचेंजेबल होता है, पर ऐसा नहीं है। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजी। मतलब ऐसा नहीं है दोस्तों कि हम लड़का पैदा हुए या लड़की पैदा हुए इस वजह से ये डिवीज़न देखने को मिलता है, बल्कि हमें ये डिवीज़न इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि हमारी सोसाइटी इस तरह का डिवीज़न क्रिएट करती है। हमारी सोसाइटी की ऐसी सोशल एक्सपेक्टेशंस और स्टीरियोटाइप्स होती हैं जिनकी वजह से ये डिवीज़न क्रिएट हो जाता है। कैसे, समझाता हूँ। पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीज़न। अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें तो जो लड़के लड़कियाँ होती हैं उन्हें शुरू से ही ये सिखाया जाता है कि जो वुमन होती हैं उनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है घर के कामकाज करना और बच्चे पालना। ज़्यादातर फैमिलीज़ में क्या होता है, सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर देखने को मिलता है। मतलब सेक्स के अकॉर्डिंग काम बांट दिया जाता है। महिलाओं को बोला जाता है कि घर के अंदर जितने भी काम हैं वो महिलाएँ करेंगी, जैसे कि कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग, टेलरिंग, लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन एक्सेट्रा, और वहीं जो घर के बाहर के काम होंगे वो मैन करेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैन घर का काम नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वे ये सोचते हैं कि इस तरह का काम करना औरतों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसमें मेजर रोल सोसाइटी का होता है। उन्हें शुरू से ही ये सिखाया जाता है कि ये काम वुमेन के हैं और ये काम मैन के हैं। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि महिलाएँ घर के बाहर का काम नहीं करती हैं, बल्कि महिलाएँ घर के बाहर का काम भी करती हैं। जैसे कि हमने गांव वगैरह में देखा है, महिलाएं पानी भरने जाती हैं, लकड़ियां कलेक्ट करती हैं, खेतों में काम करती हैं। इसी तरीके से अगर हम अर्बन एरियाज़ की बात करें तो कई सारी महिलाएं डोमेस्टिक हेल्पर का काम करती हैं, कई सारी महिलाएं ऑफिसेज में भी काम करती हैं। इनफैक्ट ज़्यादातर जो महिलाएँ होती हैं वो घर की आमदनी के लिए छोटे छोटे काम भी करती हैं, साथ में वो अपने घर का काम भी करती हैं, पर उन्हें उनके वर्क की उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलती, ना ही रिकॉग्निशन मिलता है। वहीं अगर हम मेल की बात करें तो उन्हें उनके वर्क की वैल्यू भी मिलती है और रिकॉग्निशन भी मिलता है। जैसे कई सारे मेल्स होटल्स में सेफ के रूप में भी काम करते हैं, कई सारे मेल टेलरिंग भी करते हैं, वहीं महिलाएं ये सब काम घर पर फ्री में करती हैं। तो इस तरह का जो डिवीज़न होता है वर्क के बेसिस पर, इसका रिजल्ट ये निकल के आया कि औरतें घर की चार दीवारी में सिमट कर रह गई हैं, जो बाहर की पब्लिक लाइफ है उसमें औरतों का इन्फ्लुएंस बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू मैन। स्पेशली अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो उसमें महिलाएं बहुत मिनिमम रोल प्ले करती हैं। शुरुआती समय में क्या होता था, मेन को ही अलाउ किया जाता था पब्लिक अफेयर्स में, पब्लिक ऑफिसेज में सहमति लेने के लिए और वोट डालने के लिए। इन सब में मेन का ही डोमिनेंस था। इस वजह से धीरे धीरे जेंडर इशू भी दिखना शुरू हो गया था पॉलिटिक्स में। अब जो वुमेंस थी उन्होंने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा, तो दुनिया की अलग अलग महिलाओं ने क्या किया, ऑर्गेनाइज होकर मूवमेंट स्टार्ट किए और इक्वल राइट्स की डिमांड करना शुरू कर दिया। मतलब समान अधिकार की मांग करना शुरू कर दिया। उनकी डिमांड थी कि महिलाओं को भी इक्वल वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए, साथ में ये भी मांग करी कि महिलाओं के पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस को ऊपर उठाया जाए और महिलाओं के लिए एजुकेशनल एंड करियर अपॉर्चुनिटीज़ को भी बेहतर किया जाए। कुछ मूवमेंट की ये भी मांग थी कि महिलाओं को पर्सनल लाइफ में इक्वलिटी तो मिले ही मिले, साथ में फैमिली लाइफ में भी इक्वलिटी मिले। तो इस तरह के जो मूवमेंट किए गए उनको बोला गया फेमिनिस्ट मूवमेंट।
फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या होते हैं? तो सरल भाषा में फेमिनिस्ट मूवमेंट वो मूवमेंट होते हैं जिनमें महिलाओं को पुरुषों के समान इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज दिलाने की मांग की जाती है। आए समझ में? तो इस तरीके के जब ये फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हुए और जेंडर डिवीज़न को लेकर पॉलिटिक्स में क्वेश्चंस उठने शुरू हुए, जब से धीरे धीरे पब्लिक लाइफ में वुमेंस का रोल थोड़ा बेहतर हुआ है। जैसे कि आज के समय में हम वुमेंस को कई सारे प्रोफेशंस में देखते हैं, जैसे कि महिलाएं आज साइंटिस्ट के रूप में भी काम कर रही हैं, डॉक्टर्स के रूप में भी काम कर रही हैं, इंजीनियर्स, लॉयर्स, मैनेजर्स, टीचर्स, इन सब के रूप में आज महिलाएं काम करती हुई नज़र आती हैं। ये सारे प्रोफेशंस शुरुआती समय में महिलाओं के लिए सूटेबल नहीं माने जाते थे, लेकिन जैसे जैसे हमारी सोसाइटी डेवलप हुई, लोग एजुकेटेड हुए, तो पब्लिक लाइफ में भी वुमेंस का रोल इम्प्रूव करने लगा। इनफैक्ट कई सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ वुमेंस का पार्टिसिपेशन पब्लिक लाइफ में काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि स्वीडन, नॉर्वे एंड फिनलैंड। इन कंट्रीज़ में महिलाएं पब्लिक लाइफ में ज़्यादा एक्टिव है। लेकिन जब हम अपनी कंट्री की बात करते हैं, हमारे प्यारे भारत की बात करते हैं, तो हमें स्टिल इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी भारत की महिलाएं पुरुषों से पीछे हैं। क्योंकि हमारी जो समाज है वो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, मतलब मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, जिस वजह से औरतों को आज भी कई सारे डिसएडवांटेजेस और डिस्क्रिमिनेशन जैसी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। आइए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से रीज़न हैं जिनकी वजह से वुमन सफ़र करती हैं। पहला है, इंडिया में वुमन की लिटरेसी रेट ओनली 54% है एंड मैन की लिटरेसी रेट है 76%। और तो और जो लड़कियां होती हैं उन्हें हायर स्टडीज़ के लिए पढ़ाया ही नहीं जाता, बल्कि उन्हें स्कूल से पहले ही निकाल लिया जाता है, भले ही वो लड़की लड़के से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। क्योंकि अगर किसी पेरेंट के एक लड़का और एक लड़की है, तो अगर पेरेंट किसी एक को पढ़ा सकते हैं, तो पेरेंट्स हमेशा ऐसी सिचुएशन में लड़के पर खर्च करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू गर्ल। और बेचारी जो बहन होती है वो हमेशा सेक्रीफाइस करती है अपने भाई के लिए कि चल भाई तू पढ़ ले। दूसरा है, जो हाई पेड जॉब्स होती हैं, वैल्यूड जॉब्स होती हैं, वहाँ पर महिलाएं अभी बहुत कम हैं। और तो और इंडिया में एवरेज एक वूमन एक पुरुष के कंपैरिजन में रोज़ाना 1 घंटा ज़्यादा काम करती है, पर उनके इतने ज़्यादा काम करने पर भी उन्हें पैसे नहीं मिलते, इसलिए उनके काम की कोई वैल्यू नहीं रहती, वो नॉट वैल्यूड रह जाता है। तीसरा है, महिलाओं के हित में 1976 में द इक्वल रेमुनरेशन एक्ट पास किया गया था, ताकि महिलाओं को इक्वल वर्क करने पर इक्वल वेजेस मिले, मतलब बराबर काम करने पर बराबर पैसा मिले। लेकिन ऑलमोस्ट हर एक एरियाज में, स्पोर्ट एंड सिनेमा से लेकर फैक्ट्रीज एंड फील्ड तक, महिलाओं को सेम काम करने पर कम वेजेस मिलती हैं पुरुषों के कंपैरिजन में। फोर्थ है, इंडिया के कई पार्ट्स में ऐसा देखा जाता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो मेल चाइल्ड को ज़्यादा प्रिफेयर करते हैं और फीमेल चाइल्ड को जन्म लेने से पहले ही अबॉर्ट करा देते हैं, यानी कि गर्भ में ही मार देते हैं। तो इस तरह की जो मानसिकता पैदा हो रही है हमारी सोसाइटी में, इस तरह के जो सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन हो रहे हैं, उससे चाइल्ड सेक्स रेशियो डिक्लाइन कर रहा है। अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री का सेक्स रेशियो 919 है, मतलब पर 1000 लड़कों पर 919 लड़कियाँ हैं, जिसका मतलब ये है कि सभी लड़कों की शादी नहीं होगी, कुछ लड़के रह जाएंगे बिना शादी के। ये तो पूरी इंडिया का बताया मैंने। अगर हम स्टेट वाइज देखें, कुछ एरियाज़ का रेशियो 850 से भी कम है और कुछ एरियाज़ का रेशियो तो 800 से भी कम है। तो ये सब डिस्क्रिमिनेशन की वजह से ही देखने को मिलता है। फिफ्थ है, हम रोज़ाना ऐसी कई सारी खबरें सुनते हैं, जैसे कि हरेसमेंट, एक्सप्लॉयटेशन एंड वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन। इन सब के रिगार्डिंग हम कई सारी न्यूज़ सुनते हैं, खास करके जो अर्बन एरियाज़ हैं वो काफ़ी अनसेफ माने जाते हैं वुमेन के लिए। वुमेन अपने घरों में भी अनसेफ फील करती हैं, क्योंकि वहाँ भी उन्हें बीटिंग, हरेसमेंट एंड अदर फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक वॉयलेंस को झेलना पड़ता है। तो देख रहे हो, वुमेन को हर फील्ड में डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि ये बताते हैं कि आज भी किस तरीके से महिलाओं को डिसएडवांटेजेस और डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। आया समझ में? दोस्तों, हमारी सोसाइटी में अभी भी वुमेन के हित के लिए और कई सारे इशूज पर इनफ अटेंशन नहीं दिया जाता। कई सारे फेमिनिस्ट का मानना ये है कि जब तक महिलाओं को पावर नहीं दी जाएगी, तब तक महिलाओं की प्रॉब्लम्स को उतना अटेंशन नहीं मिलेगा। तो वुमेंस को पावर में लाने का एक ये तरीका है कि जनता द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स में वुमेंस की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। क्योंकि आप खुद सोचो कि जब महिलाएं पॉलिटिकल लीडर के रूप में उभरेंगी, तो इस बात की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है कि वे मेंस के कंपैरिजन में
महिलाओं के लिए बेहतर डिसीजन ले पाएंगी, तो इसके लिए महिलाओं का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना होगा। पर अगर हम हाल ही के कुछ सालों का सिनेरियो देखें तो वुमन का प्रपोजन लेजिस्लेचर में बहुत कम है। 2019 में हमारी लोकसभा में टोटल मेंबर्स में से मात्र 14.36% मेंबर ही वुमन के रूप में इलेक्ट हुए थे, और ऐसा पहली बार ही हुआ था। और स्टेट असेंबली में तो ये सिर्फ 5% से भी कम था। इसी से रिगार्डिंग आप इस ग्राफ को देख सकते हो, ये 2018 का डाटा है। इसमें हमारी इंडिया ज़्यादातर कंट्रीज से पीछे आती है। मात्र 11% ही वुमन्स नेशनल पार्लियामेंट में बैठती हैं। और वहीं अदर कंट्रीज़ को देखें, जैसे कि नॉर्डिक कंट्रीज, अमेरिका, तो इनके कंपैरिजन में हमारी इंडिया बहुत पीछे है। वर्ल्ड के एवरेज से भी देखें तो वो भी 24% है, लेकिन हमारी इंडिया का तो बहुत कम है। अगर हमारी इंडिया में कोई महिला चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बन भी जाती है तो जो कैबिनेट्स होते हैं उनमें ज़्यादातर लीडर मेल होते हैं, इसलिए उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है। तो इस समस्या को सॉल्व करने का एक तरीका निकल के आया कि महिलाओं के लिए लीगली रूप से फेयर प्रोपोर्शन फिक्स कर देना चाहिए, मतलब इलेक्टेड बॉडीज़ में कुछ हिस्सा फिक्स कर देना चाहिए ताकि महिलाओं को भी इलेक्शन में खड़ा होने का मौका मिले। तो इस तरह की प्रोसेस हमारी इंडिया में पंचायती राज यानी कि लोकल लेवल पर अपनाई गई है, जिसमें 1/3 सीट्स लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ में यानी कि पंचायत्स एंड म्यूनसिपल्टीज़ में महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी गई हैं। अब इससे हमें फ़ायदा भी देखने को मिला है। आज के समय में मोर देन 10 लाख वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ में हैं। तो ये तो बात हुई लोकल लेवल पर, यहाँ तो हमें कुछ हद तक इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है ड्यू टू 1/3 रिजर्वेशन। लेकिन वाट अबाउट स्टेट एंड सेंट्रल लेवल, इन दो लेवल्स पर कैसे इम्प्रूवमेंट आएगा? तो इसके लिए भी कई सारी वुमन ऑर्गेनाइजेशंस ने एंड एक्टिविस्ट ने ये डिमांड की है कि लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में भी महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन मिलना चाहिए। पर ये जो बिल था वो पिछले कई डेकेड से पेंडिंग डला हुआ था, और ये पेंडिंग इसलिए डला हुआ था क्योंकि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी वो नहीं चाहती थी कि इस तरीके का कोई बिल पास हो, क्योंकि पार्टीज़ में मेल डोमिनेशन ज़्यादा था, जिस वजह से ये बिल काफ़ी टाइम तक पास नहीं हो पाया था। लेकिन 2023 में वुमन्स रिजर्वेशन एक्ट 2023 पास होता है, जिसके तहत महिलाओं को 33% रिजर्वेशन मिल जाता है लोकसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में और साथ में दिल्ली असेंबली में भी। तो हमने इतनी सारी बातें करी जेंडर डिवीज़न से रिगार्डिंग, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जिस तरीके से जेंडर डिवीज़न जैसे मुद्दों को जब पॉलिटिक्स में लाया जाता है और जब ये पॉलिटिकल इशू बन जाते हैं तो जिन ग्रुप्स को डिसएडवांटेजेस फेस करने पड़ रहे थे उन्हें भी फ़ायदा मिलता है। जैसे कि जेंडर डिवीज़न जब पॉलिटिकल इशू बना तो महिलाओं की स्थिति पहले से बेहतर हुई है, और जैसे जैसे समय निकलेगा तो हो सकता है वैसे वैसे स्थिति और ज़्यादा बेहतर होती चली जाएगी। आए समझ में? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। इस टॉपिक में हम एक अलग तरीके के डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे, मतलब ऐसे डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे जो कि धर्म के आधार पर होता है, मतलब रिलीजन के बेसिस पर होता है। तो रिलीजन के बेसिस पर जो डिवीज़न होता है वो जेंडर डिवीज़न की तरह यूनिवर्सल तो नहीं होता, लेकिन फिर भी रिलीजियस डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है वर्ल्ड वाइड, जिस वजह से रिलीजन के बेसिस पर भी हमें डिवीज़न देखने को मिलता है। और इस तरह का जो डिवीज़न देखने को मिलता है वो केवल हमारे देश में देखने को नहीं मिलता, बल्कि अलग अलग देशों में भी देखने को मिलता है। आइए अब हम कुछ ऐसे पॉइंट्स को देखते हैं जो कि रिलीजियस डिफरेंसेस पर बेस्ड हैं। अगर हम ये देखें कि गांधी जी का क्या मानना था रिलीजन को लेकर पॉलिटिक्स में, तो गांधी जी का मानना ये था, गांधी जी ये मानते थे कि रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, मतलब उनका मानना ये था कि हम रिलीजन को कभी भी पॉलिटिक्स से अलग कर ही नहीं सकते। उनका मतलब यहाँ किसी एक रिलीजन से नहीं था, बल्कि जितने भी रिलीजन होते हैं, चाहे वो हिंदुज़म हो और चाहे वो इस्लाम हो, हर धर्म में लोग कई सारी मोरल वैल्यूज़ को सीखते हैं। तो वो मानते थे कि ऐसी मोरल वैल्यूज़ या एथिक्स जो सभी धर्मों से जुड़े हैं, हमें उनका इस्तेमाल करना चाहिए पॉलिटिक्स को गाइड करने में। ये गांधी जी का मानना था। ये तो बात हुई गांधी जी की कि गांधी जी का क्या विचार था रिलीजन को लेकर पॉलिटिक्स में। अब हम ये देखते हैं कि जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स होते हैं, मतलब ऐसे ग्रुप्स जो कि मानवों के अधिकारों के लिए लड़ते हैं, उनके क्या विचार हैं इस विषय पर। तो ऐसे लोगों का मानना ये है कि हमारे देश में जब भी कम्युनल राइट्स होते हैं, मतलब जब अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच में जब दंगे होते हैं, तो ज़्यादातर नुकसान या लॉस होता है
वो ऐसे लोगों का होता है जो कि रिलीजियस माइनॉरिटी में होते हैं, मतलब जिनकी पॉपुलेशन कम होती है। ऐसे रिलीजियस ग्रुप्स ज़्यादा सफ़र करते हैं। जैसे मान लो ये दो अलग अलग रिलीजन के ग्रुप हैं, तो अगर इनमें दंगा होगा तो ऑब्वियसली इनके विक्टिम्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे, इनको ज़्यादा लॉस होगा क्योंकि ये माइनॉरिटी में है। तो ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स का यही कहना है कि गवर्नमेंट को कुछ स्पेशल स्टेप्स लेने चाहिए टू प्रोटेक्ट रिलीजियस माइनॉरिटी, मतलब जिन धर्म के लोग माइनॉरिटी में हैं उनके लिए सरकार को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ स्टेप लेने चाहिए। इसी तरीके से अगर हम बात करें वुमेंस की, तो महिला आंदोलनकर्ताओं का मानना है कि जो फैमिली लॉज होते हैं अलग अलग धर्मों के, जैसे कि मैरिज, डिवोर्स, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस एक्सेट्रा, इन सब के जो लॉज होते हैं अलग अलग रिलीजन में, तो इन फैमिली लॉज की वजह से महिलाएं ज़्यादा सफ़र करती हैं। तो महिलाओं की डिमांड ये है कि जितने भी ये फैमिली लॉज होते हैं उन्हें गवर्नमेंट को चेंज करना चाहिए और ऐसे लॉज बनाने चाहिए जिससे महिलाएं बराबरी का दर्जा महसूस करें। तो अभी तक हमने रिलीजन एंड पॉलिटिक्स को लेकर अलग अलग लोगों के विचारों को देखा। अब हम ये जानते हैं कि क्या वास्तव में रिलीजन एंड पॉलिटिक्स का रिलेशन हमारी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है या फिर नहीं है, चलिए जानते हैं। देखो, अलग अलग रिलीजन्स में जो आइडियाज़, आइडियल्स और जो मोरल वैल्यूज़ होती हैं वो हमारी पॉलिटिक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। जो लोग पॉलिटिकल पावर्स में होते हैं उन्हें रिलीजियस प्रैक्टिसेस पर नज़र रखनी चाहिए, ताकि अगर कोई किसी के साथ भेदभाव करता है या ऑप्रेस करता है रिलीजन के बेसिस पर, तो उसे रोका जाना चाहिए। अगर हमारी गवर्नमेंट सभी रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करती है तो ऐसे कामों में कोई बुराई नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी गवर्नमेंट सभी रिलीजन को समान रूप से देखती है तो हम रिलीजन को पॉलिटिक्स से जोड़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं। आया समझ में? नेक्स्ट, अब हम पढ़ते हैं कम्युनलिज्म के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये कम्युनलिज्म का मतलब क्या है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो दो कम्युनिटी हैं, मान लेते हैं एक कम्युनिटी एक्स रिलीजन फॉलो करती है और दूसरी कम्युनिटी वाई रिलीजन फॉलो करती है। तो मान लो जो एक्स रिलीजन है वो अगेंस्ट हो जाए वाई रिलीजन के और अपने आप को सुपीरियर मानने लगे और दूसरे रिलीजन को पिटेट करने लगे, हेट करने लगे या उन्हें दबाने लगे, तो इस तरह की जो आइडियोलॉजी होती है उसे हम कम्युनलिज्म कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं, व्हेन रिलीजन इज एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स इन एक्सक्लूसिव एंड पार्टीशन टर्म्स, व्हेन वन रिलीजन एंड इट्स फॉलोअर आर पिटेड अगेंस्ट एनोदर, दिस टाइप्स ऑफ आइडियोलॉजी कॉल्ड कम्युनलिज्म। मतलब जब पॉलिटिक्स में रिलीजन को एक्सक्लूसिव एंड पार्टीशन टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है, जिस वजह से एक रिलीजन दूसरे रिलीजन के अगेंस्ट में हो जाता है और उसे पिटेड करने लगता है, खिलाफ हो जाता है, तो इस तरह की जो आइडियोलॉजी होती है उसे हम कम्युनलिज्म कहते हैं। ये कम्युनलिज्म तब देखने को मिलता है जब एक रिलीजन के बिलीफ को सुपीरियर बताया जाता है दूसरे रिलीजन के बिलीफ से, और जब एक रिलीजियस ग्रुप अपनी डिमांड्स को दूसरे रिलीजियस ग्रुप्स के अपोजिशन में खड़ी कर देता है, तो ये सब देखने को मिलता है कम्युनलिज्म में। और जब स्टेट पावर, यानी कि हम गवर्नमेंट कह सकते हैं, वो भी अगर अपनी पावर्स का इस्तेमाल किसी एक रिलीजन के डोमिनेशन या केवल उसे ही बढ़ावा देने के लिए करने लगे, तो इस तरह की पॉलिटिक्स को हम कम्युनल पॉलिटिक्स कहते हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, व्हेन स्टेट पावर इज यूज टू एस्टेब्लिश डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप ओवर द रेस्ट, दिस मैनर ऑफ यूजिंग रिलीजन इन पॉलिटिक्स इज कम्युनल पॉलिटिक्स। आया समझ में? अब हम ये जानते हैं कि कम्युनलिज्म में किस तरह की थिंकिंग को बढ़ावा दिया जाता है। तो कम्युनलिज्म में क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर रिलीजन के फॉलोअर्स होते हैं वो एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, मतलब एक रिलीजन के लोग अपनी अलग ही कम्युनिटी बना के रखते हैं और साथ में उनके जो फंडामेंटल इंटरेस्ट्स होते हैं वो सेम होते हैं, मतलब एक जैसे होते हैं, ज़्यादातर लोगों की सोच एक जैसी ही रहती है। एक रिलीजियस कम्युनिटी में आपसी मतभेद भी अगर हो जाता है तो इससे पूरी की पूरी कम्युनिटी लाइफ पर असर नहीं पड़ता है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कम्युनलिज्म का, कि जो लोग होते हैं अलग अलग रिलीजन्स के वो सेम सोशल कम्युनिटी से बिलोंग नहीं कर सकते, मतलब अलग अलग रिलीजन के लोग एक कम्युनिटी में नहीं रह सकते। कम्युनलिज्म में ये माना जाता है कि अलग अलग रिलीजन एक साथ रहने की बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि इन्हें समानता देखना पसंद नहीं आता। इस तरह की एक साथ रहने की बातों को कम्युनलिज्म में सुपरफिशियल एंड इनमटेरियल माना जाता है और धर्म के आधार पर ही कम्युनिटी बनाना ही अच्छा लगता है। कई बार जब कम्युनलिज्म एक्सट्रीम लेवल पर होता है या अपने पीक पर पहुंच जाता है, तो एक रिलीजन के लोग दूसरे रिलीजन के डोमिनेशन में इक्वल सिटीजन के रूप में नहीं रह सकते। तो ऐसे में दो ऑप्शन निकल के आते हैं,
या तो उस कम्युनिटी के लोगों को दूसरी कम्युनिटी के डोमिनेशन में रहना होगा या फिर उनके लिए एक अलग नेशन बनाना होगा। मतलब जब कम्युनलिज्म एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाता है तो बात नेशन के पार्टीशन यानी कि बंटवारे तक भी पहुंच जाती है। जैसे कि इंडिया का जो पार्टीशन हुआ था रिलीजन के बेसिस पर, उसमें मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक अलग से नेशन बनाया गया था जिसमें कम्युनलिज्म एक मेजर रीज़न था। अब हम ये देखते हैं कि कम्युनलिज्म में क्या क्या कमियाँ हैं। वैसे तो कम्युनलिज्म पूरा का पूरा कमियों से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी चलिए हम कम्युनलिज्म की कुछ खामियों के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि कम्युनलिज्म कहता है कि एक कम्युनिटी के लोगों के इंटरेस्ट एक जैसे होने चाहिए, उनको एक तरह से ही सोचना चाहिए। पर आप खुद सोचो कि हर एक इंडिविजुअल के अलग अलग रोल होते हैं, अलग अलग पोजिशंस होती हैं और उनकी अलग अलग आइडेंटिटीज़ होती हैं। तो हम सब जानते हैं कि भले ही एक रिलीजन के लोग हों, उनके इंटरेस्ट और एस्पिरेशन हर एक कंटेस्ट में एक जैसे नहीं हो सकते, बल्कि सबका सोचना अलग अलग होता है। लेकिन फिर भी वो कम्युनलिज्म के सिस्टम में फंस जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर एक कम्युनल और रिलीजिस्टिक आइडियोलॉजी का प्रेशर होता है। वैसे तो हर एक कम्युनिटी के अंदर कई सारी आवाज़ उठाई जाती है उनके लोगों के द्वारा ही, और उन्हें अपनी बात कहने का अधिकार भी है, पर उनकी आवाज़ ये कहकर दबा दी जाती है कि उनके विचार गैर धार्मिक हैं। इस तरह से कम्युनिटी की कई सारी वॉइसेस को सप्रेस कर दिया जाता है। अब दोस्तों, अब हम ये देखते हैं कि कम्युनलिज्म हमें पॉलिटिक्स में किन किन फॉर्म्स में देखने को मिलता है, मतलब कम्युनलिज्म पॉलिटिक्स में कैसे कैसे रूप ले लेता है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि कम्युनलिज्म हमें डेली लाइफ में भी देखने को मिलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कम्युनलिज्म अगर पॉलिटिकली देखने को मिल रहा है तो उसका असर हमारी एवरीडे लाइफ पर नहीं होगा, बल्कि उसका असर हमारी एवरीडे लाइफ पर भी होता है। जैसे कि डेली लाइफ में भी लोग कई सारे डिस्कशन करते हैं कि हमारा रिलीजन अच्छा है, हमारे रिलीजन में ये अच्छी बातें हैं, हमारा रिलीजन ही सारे रिलीजन से सुपीरियर है। ऐसे ही दूसरे ग्रुप वाले ये डिस्कशन करते हैं कि हमारा रिलीजन अच्छा है, हमारा रिलीजन सुपीरियर है। तो इस तरह के जो रिलीजियस प्रोजुड्यूसेस होते हैं, स्टोरियोटाइप्स होते हैं, बिलीफ्स होते हैं अपने रिलीजन को सुपीरियर दिखाने के, ये सब हमें कम्युनलिज्म के चलते डेली लाइफ में भी देखने को मिलते हैं। दूसरा पॉइंट है कि जो कम्युनल माइंड के जो लोग होते हैं वो हमेशा इसी फ्राक में बैठे रहते हैं कि कैसे ही ना कैसे उनके रिलीजियस पार्टी का पॉलिटिकल डोमिनेंस होना चाहिए। इसलिए ऐसी कम्युनिटीज़ जो कि मेजॉरिटी में होती हैं वो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा डोमिनेंस हासिल करने के प्रयास में रहती हैं, और जो कम्युनिटी माइनॉरिटी में होती है वो ये इच्छा में रहती है कि हमारे लिए एक अलग पॉलिटिकल यूनिट बना दी जाए, मतलब एक अलग देश बना दिया जाए। इस पॉइंट को हम इंडिया पाकिस्तान के पॉइंट से भी रिलेट कर सकते हैं। आए समझ में? तीसरा पॉइंट है कि कम्युनलिज्म की एक ऐसी फॉर्म भी देखी जाती है जिसमें पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होता है। इसमें क्या होता है, पॉलिटिकल लीडर्स हमारे रिलीजियस सिंबल्स, रिलीजियस लीडर्स और इमोशनल अपील्स का इस्तेमाल करते हैं और हमारे इमोशंस के साथ खेलते हैं, और इस तरह का डर अपने ही लोगों में बैठा देते हैं कि अगर तुमने सपोर्ट नहीं किया तो हमारा धर्म खतरे में आ जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे। इस तरीके से अपने ही रिलीजन के लोगों को मोबिलाइज किया जाता है राजनीति के क्षेत्र के लिए। मतलब इस तरह का डर पैदा कर दिया जाता है कि कोई वोटर अपने रिलीजन के कैंडिडेट के अलावा किसी और रिलीजन के कैंडिडेट को वोट करने से पहले 100 बार सोचेगा। चौथा पॉइंट है, कई बार क्या होता है, कम्युनलिज्म एक ऐसी फॉर्म ले लेता है जो कि बहुत भयानक होती है। कम्युनलिज्म के चलते कम्युनल वॉयलेंस, रॉयट्स, मैसेकर भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का जो डिवीज़न हुआ था उस समय जो कम्युनल रॉयट्स यानी कि दंगे हुए थे, इनफैक्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में जो लार्ज स्केल पर कम्युनल वॉयलेंस देखने को मिली थी वो कम्युनलिज्म की इसी फॉर्म की वजह से देखने को मिली थी। आए समझ में? नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं सेकुलर स्टेट के बारे में। तो दोस्तों, हमें ये बात पता है कि कम्युनलिज्म एक बहुत बड़ी समस्या बन सकता है किसी भी देश के लिए। ऐसे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो थे उन्हें भी ये बात पता थी कि कम्युनलिज्म हमारे देश की डेमोक्रेसी के लिए एक मेजर चैलेंज बन सकता है। इसलिए उन्होंने हमारे देश के लिए एक ऐसा मॉडल चुना जिसकी मदद से कम्युनलिज्म देखने को ना मिले, और वो मॉडल था सेकुलर स्टेट का, जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे प्रोविजंस लाए गए ताकि वो भारत को एक सेकुलर स्टेट बना सके। अब ये सेकुलर स्टेट क्या होता है? तो सेकुलर स्टेट मतलब ऐसा देश जो कि धर्म के मामले में न्यूट्रल रहता है और सारे सिटीजन्स को इक्वली ट्रीट करता है बिना उसके धर्म को बीच में लाए। मतलब एक सेकुलर स्टेट में किसी भी एक रिलीजन को सपोर्ट और अपोज नहीं किया जाता। आए समझ में? तो हमारा प्यारा जो भारत है वो एक सेकुलर स्टेट है। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है,
कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे देश को एक सेकुलर स्टेट बनाती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कि हमारे देश में किसी भी रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन के रूप में नहीं चुना गया है। वहीं अगर हम बात करें अदर कंट्रीज़ की, जैसे कि श्रीलंका, तो उसमें बुद्धिज़्म को स्पेशल स्टेटस दिया गया है। ऐसे ही पाकिस्तान में इस्लाम को, इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी को, इनको स्पेशल स्टेटस दिया गया है। पर हमारे देश में ऐसा नहीं है, हमारे देश में किसी भी एक रिलीजन को स्पेशल स्टेटस नहीं दिया गया है। दूसरा पॉइंट है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हर एक व्यक्ति को और हर एक कम्युनिटी को ये आज़ादी देता है कि वो अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजन के बेसिस पर होने वाले किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिटेड मानता है, मतलब अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। फोर्थ पॉइंट है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये अलाउ करता है कि जो गवर्नमेंट है वो धार्मिक मुद्दों पर दखल दे सकती है, ताकि धर्म के आधार पर इक्वलिटी बनी रहे और ग्राउंड लेवल पर धर्म के आधार पर भेदभाव ना हो सके। जैसे कि हमारी इंडिया में अनटचेबिलिटी को बैन किया गया है, जो कि ग्राउंड लेवल पर होने वाला डिस्क्रिमिनेशन है। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं जो कि हमने डिस्कस किए, वो ये बताते हैं कि हमारी कंट्री एक सेकुलर स्टेट है और वो सेकुलरिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। तो अभी हमने जो पढ़ा उससे हमें ये पता चलता है कि सेकुलरिज्म की आइडियोलॉजी ना केवल कुछ पार्टीज और लोगों के द्वारा अपनाई जाने वाली विचारधारा नहीं है, बल्कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है, यानी कि बेस है। इसी आधार पर सारे रिलीजन खुशी खुशी रहते हैं। ऐसे में कम्युनलिज्म केवल हम सब के लिए खतरा नहीं है, बल्कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी एक चैलेंज है। हमें केवल ऐसा लगता है कि कम्युनलिज्म को रोकने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनफ है, पर केवल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होना काफ़ी नहीं है, बल्कि हमें अपनी डेली लाइफ में जो कम्युनल प्रेजुडिसेस और प्रोपोगेंडा देखने को मिलते हैं, जिनसे रिलीजियस बेस्ड मोबिलाइजेशन होता है, तो हमें इनसे भी बचना है, तब जाके हम कम्युनलिज्म के आइडियोलॉजी से बच सकते हैं। आया समझ में? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कास्ट एंड पॉलिटिक्स। तो अभी तक हमने दो तरह के सोशल डिफरेंसेस के बारे में पढ़ा, जो कि है जेंडर और रिलीजन। अब हम पढ़ेंगे तीसरे सोशल डिफरेंस के बारे में, जो कि है कास्ट, और जानेंगे कि कास्ट के बेसिस पर किस तरीके से डिवीज़न होता है, और साथ में हम पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कास्ट इनइक्वालिटीज़ के बारे में, मतलब जाति को लेकर जो इनइक्वालिटीज़ होती हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जेंडर और रिलीजन के बेसिस पर डिवीज़न हमें पूरी दुनिया में देखने को मिलता है, पर कास्ट के बेसिस पर डिवीज़न स्पेशली इंडिया में ही देखने को मिलता है। दोस्तों, हमारी सोसाइटी में सोशल इनइक्वालिटीज़ और काम के आधार पर डिवीज़न देखने को मिलता है। ज़्यादातर सोसाइटीज़ में क्या होता है, जो मोस्टली ऑक्यूपेशंस होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होते हैं। जैसे अगर कोई नाई है, यानी कि बार्बर है, तो उसका बेटा भी नाई ही बनेगा। अगर कोई मटके बनाता है तो उसका बेटा भी मटके बनाएगा। अगर कोई कपड़े धोता है तो उसकी जो फ्यूचर जनरेशन होगी वो भी कपड़े धोने का काम करेगी। और अगर कोई व्यक्ति शूज़ पॉलिश करता है तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन भी शूज़ पॉलिश करेगी। ऐसे ही अगर कोई साफ़ सफाई करता है तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन भी साफ सफाई करेगी। मोस्टली सोसाइटी में ये सिस्टम आज भी फॉलो होता है। इसलिए फॉलो होता है क्योंकि उनकी कास्ट को उनके काम से जोड़ दिया गया है। मतलब कोई लड़का अगर नाई के घर पैदा हुआ है तो वो इस कास्ट सिस्टम की वजह से यही सोचेगा कि उनका काम केवल बाल बनाना है और सोसाइटी भी उन्हें इसी काम की परमिशन देती है, फिर भले ही वो लड़का कोई और काम भी करने लगे लेकिन कास्ट उसके साथ चिपकी रहेगी, जिस वजह से उसे सोसाइटी में एक नाई के रूप में ही एक्सप्रेस किया जाएगा, भले ही वो कोई और काम ही क्यों ना कर रहा हो। इस तरह का जो सिस्टम है वो एक एक्सट्रीम फॉर्म को दर्शाता है कास्ट सिस्टम की, जिसे हेरिडेटरी ऑक्यूपेशन डिवीज़न बोला जाता है। हेरिडेटरी ऑक्यूपेशन डिवीज़न मतलब इस तरह का डिवीज़न जिसमें जो वर्क होता है वो फैमिली से पास ऑन होता है नेक्स्ट जनरेशन के लिए, जैसा कि मैंने अभी अभी बताया। तो हमारी इंडियन सोसाइटी में ये जो हेरिडेटरी ऑक्यूपेशनल डिवीज़न है वो रिचुअल्स के द्वारा सेंसन किया गया है, मतलब ये सिस्टम रीति रिवाजों से जुड़ा हुआ है और काफ़ी पुराने समय से ये फॉलो हो रहा है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो मेंबर होते हैं सेम कास्ट ग्रुप के, वो सोशल कम्युनिटी के रूप में दिखने लग जाते हैं, जो कि सेम तरह का या सिमिलर काम करते हैं। और क्या होता है, इसमें शादी भी सेम कास्ट ग्रुप में ही की जाती है, मतलब एक कास्ट का व्यक्ति अपनी सेम ही कास्ट में शादी करेगा। इंटर कास्ट मैरिजेस ज़्यादातर अलाउ नहीं होती। अगर आप रिमोट एरियाज़ में देखोगे तो ये तो एक बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है समाज की नज़र में। केवल इतना ही नहीं, अदर कास्ट ग्रुप में तो लोग खाना भी नहीं खाते थे।
तो इस तरीके से डिवीज़न बढ़ता चला गया और कास्ट सिस्टम की एक एक्सट्रीम फॉर्म देखने को मिली। तो जब कास्ट सिस्टम बहुत एक्सट्रीम लेवल पर पहुंचा, तो जो आउटकास्ट ग्रुप्स थे, मतलब ऐसे कास्ट ग्रुप्स जिन्हें सोसाइटी में बहुत छोटा माना जाता था या फिर नीचा माना जाता था, उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होने लगा था। डिस्क्रिमिनेशन इस हद तक बढ़ गया था कि अनटचेबिलिटी जैसी समस्या लोगों के बीच में देखने को मिल रही थी। मतलब हमारी इंडिया में ये सीन हो गया था कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इस हद तक बढ़ गया था कि जो अपर कास्ट के लोग थे वो लोअर कास्ट के लोगों को छूना भी पसंद नहीं कर रहे थे। तो इसके लिए कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने, सोशल रिफॉर्मर्स ने, जैसे कि ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, बी.आर. अंबेडकर और प्रिय रामास्वामी नायकर, इन सब ने कास्ट इनइक्वालिटी को समाज से हटाने के लिए काफ़ी मेहनत की। इन सब के एफर्ट की वजह से और अदर सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस की वजह से भारत के कास्ट एंड कास्ट सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा चेंज आया है। और साथ में ये चेंजेस इसलिए भी देखने को मिले क्योंकि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन हो रहा है, मतलब लोग शहर की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारे देश की लिटरेसी रेट और एजुकेशन बढ़ रही है, ऑक्यूपेशन मोबिलिटी आ रही है, मतलब कोई भी व्यक्ति अपना प्रोफेशन चुन सकता है, साथ में जमींदारी सिस्टम भी ख़त्म हो रहा है। इन सब रीजंस की वजह से जो पुराने टाइम की कास्ट हायरार्की जो कि हमारे देश में जमी हुई थी, ऊंच नीच का जो भेदभाव होता था वो अब ख़त्म होता सा नज़र आता है। जैसे कि मॉडर्न इंडिया में, यानी कि आज के समय में, ट्रेन और बस में आपके साथ कौन बैठा है, किस कास्ट का बैठा है, ये आप कभी नोटिस नहीं करते हैं। सिमिलरली जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप ये कभी नोटिस नहीं करते कि आपके सामने वाली चेयर पर किस कास्ट का व्यक्ति बैठा है, और ना ही आपको उस व्यक्ति की कास्ट से कोई भी फर्क पड़ता है। जहाँ तक कि हमारी इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी किसी भी प्रकार के कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिटेड किया गया है, मतलब जाति को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। पर दोस्तों, क्या लगता है आपको कि कास्ट सिस्टम हमारी इंडिया से कम्प्लीटली डिसअपियर हो गया है, मतलब ख़त्म हो गया है? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि कास्ट सिस्टम के कुछ पुराने पहलू अभी भी बरकरार हैं। जैसे कि अभी भी ज़्यादातर लोग अपनी ही कास्ट में या अपने ही ट्राइब में शादियाँ करना पसंद करते हैं, अदर कास्ट में लोग अभी भी शादियाँ करना पसंद नहीं करते। अभी भी कई जगहों पर हमारी सोसाइटी में अनटचेबिलिटी देखने को मिलती है, अनटचेबिलिटी कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुई है, जबकि इसको लेकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे प्रोविजंस भी बनाए गए और साथ में लोअर कास्ट के लोगों को रिजर्वेशन भी दिया गया है ताकि जो लोग पीछे रह गए हैं समाज में उन्हें भी बराबर किया जाए। अब आज के कंटेस्ट में रिजर्वेशन सही है या गलत है ये एक अलग डिबेट है, लेकिन तब के कंटेस्ट में रिजर्वेशन बिल्कुल सही था क्योंकि जो कास्ट के लोग बहुत ज़्यादा पीछे रह गए थे उन्हें भी साथ में लाना ज़रूरी था। अगर आप एक चीज़ देखोगे तो जो अपर कास्ट के लोग हैं वो जनरली आपको इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेंगे, वहीं जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो जनरली आपको इकोनॉमिकली वीक देखने को मिलेंगे, जिससे ये बात तो जाहिर होती है कि कास्ट का इकोनॉमिक स्टेटस से काफ़ी लिंक है, मतलब कास्ट का इकोनॉमिक स्टेटस से काफ़ी लेना देना है। आए समझ में? आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं कास्ट एंड पॉलिटिक्स के बारे में, मतलब इसमें हम पढ़ेंगे कि कास्ट को जब पॉलिटिक्स में लाया जाता है तो क्या सिनेरियो रहता है। तो जिस प्रकार हमने रिलीजन के केस में देखा था कि जब रिलीजन को सब कुछ मान लिया जाता है, अपने रिलीजन को ही सबसे ऊपर मानने लगते हैं, तो हमें कम्युनलिज्म देखने को मिलता है। ऐसे ही ठीक इसी प्रकार से जब कास्ट को, यानी कि जाति को ही सोल बेसिस मान लिया जाता है कम्युनिटी का, या फिर परम आधार मान लिया जाता है कम्युनिटी का, तो उसे हम कास्टिज्म कहते हैं। मतलब रिलीजन को बेस मानते हैं तो वो कम्युनलिज्म होता है, और जब कास्ट को बेस मानते हैं तो वो कास्टिज्म होता है। तो कास्टिज्म में क्या होता है, जो लोग सेम कास्ट के होते हैं वो अपनी एक नेचुरल कम्युनिटी बना के रखते हैं जिनके इंटरेस्ट सेम होते हैं, और इनके जो इंटरेस्ट होते हैं वो दूसरी जाति के लोगों से अलग होते हैं। तो जैसे कि हमने कम्युनलिज्म में देखा था कि कैसे कम्युनलिज्म पॉलिटिक्स में अलग अलग फॉर्म ले लेता है, ठीक उसी प्रकार से अब हम ये देखेंगे कि कास्ट पॉलिटिक्स में किस किस तरह की फॉर्म ले लेती है, या हम ये भी कह सकते हैं कि कास्ट पॉलिटिक्स में क्या क्या रोल प्ले करती है। तो कास्ट पॉलिटिक्स में कई सारी वेरियस फॉर्म्स ले सकती है, चलिए उन सारी फॉर्म्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, जब पॉलिटिकल पार्टी चुनाव के लिए कैंडिडेट चूज करती है तो वो अपने माइंड में ये चीज़ ध्यान रखती है कि उस इलेक्टोरेट में कास्ट का कंपोजिशन क्या है, मतलब कौन सी कास्ट ज़्यादा है, ताकि वो उसी कास्ट के कैंडिडेट को खड़ा करे इलेक्शन में, ताकि उन्हें इलेक्शन जीतने के लिए नेसेसरी सपोर्ट मिल जाए। मतलब पार्टी किसी भी कैंडिडेट को टिकट देने से पहले ये जरूर देखती है कि उस रीजन में
किस कास्ट के लोगों की मेजॉरिटी है, तभी वो कैंडिडेट को चूज करती है। इसके अलावा जब गवर्नमेंट फॉर्म की जाती है तो पॉलिटिकल पार्टी ये विशेष ध्यान रखती है कि रिप्रेजेंटेटिव्स डिफरेंट कास्ट और ट्राइब से होने चाहिए ताकि उनकी पकड़ ज़्यादा से ज़्यादा कास्ट ग्रुप्स में बनी रहे। आया समझ में? दूसरा पॉइंट है, पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स इलेक्शन जीतने के लिए कास्ट सेंटिमेंट्स के साथ खेलते हैं, मतलब उनकी भावनाओं के साथ खेलते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उस कास्ट का सपोर्ट गैदर कर सके। और बेचारे जो वोटर्स होते हैं वो बहकावे में आ जाते हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि हमारी कास्ट की ये कितना सोच रहे हैं, और उन्हें वो अपनी जाति का मसीहा समझने लगते हैं और सारे वोट दे देते हैं। फिर बाद में पता चलता है कि उनके साथ तो खिलवाड़ हुई है। तीसरा पॉइंट है, हमारी इंडिया में यूनिवर्सल अडल फ्रेंचाइजी देखने को मिलती है, मतलब हर एक व्यक्ति के पास अपना एक वोट है। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उन्हें भी ये बात पता होती है कि हर एक वोट की इक्वल वैल्यू है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोबिलाइज करने का प्रयास करती हैं, जिस वजह से जिन लोगों को अभी तक भी छोटा माना जाता था उन्हें भी एक मौका मिल जाता है अपनी बात रखने का, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज उनको भी मोबिलाइज करने का प्रयास करती हैं क्योंकि हर एक वोट की इक्वल वैल्यू होती है, जिस वजह से पॉलिटिकल पार्टी किसी भी कास्ट को छोटी या नीची नज़र से नहीं देख पाती क्योंकि उन्हें सबको बराबर देखना पड़ता है, बिकॉज एवरी वोट हैव इक्वल वैल्यू। आया समझ में? तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उससे हमें ये समझ में आया कि कास्ट बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है पॉलिटिक्स में, पर ऐसा क्या हमेशा होता है? नहीं, कई बार कास्ट पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा रोल प्ले नहीं करती। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे रीजंस हैं। इसके लिए हम कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं जिनसे आपको पता चलेगा कि कास्ट का पॉलिटिक्स में हमेशा असर नहीं पड़ता। जैसा कि पहला पॉइंट है, हमारी कंट्री में किसी भी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में क्लियर मेजॉरिटी नहीं आई है एक सिंगल कास्ट की वजह से, इसीलिए हर एक कैंडिडेट या पार्टी को इलेक्शन जीतने के लिए एक से ज़्यादा कास्ट या कम्युनिटी का विश्वास जीतना पड़ता है, अकेली एक कास्ट से काम नहीं चलता। दूसरा पॉइंट है कि कोई भी पार्टी किसी एक कास्ट या कम्युनिटी के सभी लोगों के वोट हासिल नहीं कर सकती, भले ही वो उसका वोट बैंक ही क्यों ना हो। जैसे कि अगर कोई पार्टी कहती है कि राजपूत समाज मेरा वोट बैंक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे राजपूत के वोट उस पार्टी को मिल जाएंगे, बल्कि इसका मतलब ये है कि उस पार्टी को मेजॉरिटी ऑफ वोट मिल जाएंगे राजपूत के। तीसरा पॉइंट है कि कई सारी पॉलिटिकल पार्टी सेमी कास्ट के कैंडिडेट को खड़ा कर देती हैं जब उन्हें ये लगता है उस कास्ट का डोमिनेंस ज़्यादा है उस पर्टिकुलर इलेक्टोरेट में या एरिया में। तो ऐसे में जो वोटर्स होते हैं उनके पास सेमी कास्ट के एक से ज़्यादा ऑप्शन होते हैं वोट करने के लिए। वहीं कुछ वोटर्स ऐसे भी होते हैं जिनकी कास्ट का एक भी कैंडिडेट नहीं होता। आए समझ में? फोर्थ पॉइंट है, हमारे देश में जो रूलिंग पार्टी है और जो MPs और MLA होते हैं वो अक्सर हारते रहते हैं। तो आप खुद सोचो कि अगर ये कास्ट की मेजॉरिटी की वजह से जीतते हैं तो इन्हें तो हर बार जीतना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि पॉलिटिक्स में कास्ट तो मैटर करती है, पर इसके साथ साथ कई अन्य फैक्टर्स भी ज़रूरी होते हैं, हमेशा कास्ट ही मैटर नहीं करती। कई बार तो वोटर्स अपनी कास्ट से जितना अटैच रहते हैं अक्सर उससे ज़्यादा अटैच वो पॉलिटिकल पार्टीज से रहते हैं, जिस वजह से उन्हें कास्ट से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई ऐसा वोटर है जो BJP पार्टी से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, तो ऐसे में वो वोटर उसी पार्टी के कैंडिडेट को वोट करेगा भले ही वो उसकी कास्ट का हो या ना हो। और अदर पार्टीज़ में अगर उसकी कास्ट का कैंडिडेट ही क्यों ना खड़ा हो, फिर भी उसकी प्रेफरेंस BJP की तरफ ही जाएगी क्योंकि वोटिंग के टाइम उसने कास्ट को सेकेंडरी रखा। आया समझ में? लास्ट अब हम पढ़ते हैं पॉलिटिक्स इन कास्ट, मतलब अभी हमने पढ़ा कास्ट इन पॉलिटिक्स, मतलब कास्ट पॉलिटिक्स में क्या रोल प्ले करती है, राजनीति में जाति का क्या रोल रहता है। लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे कि कास्ट में पॉलिटिक्स क्या रोल प्ले करती है, मतलब पॉलिटिक्स के चक्कर में कास्ट पर क्या असर पड़ता है, यही हम इस टॉपिक में जानेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है कि हर एक कास्ट ग्रुप बिगर ग्रुप बनाना चाहता है, मतलब अपना एक बड़ा ग्रुप बनाना चाहता है। तो कास्ट ग्रुप्स अपने नेबरिंग कास्ट और सब कास्ट को इकट्ठे करने की कोशिश करता है, भले ही वो शुरुआत में अलग अलग हो, लेकिन इलेक्शन के टाइम पर सबको एक साथ लाने का प्रयास किया जाता है ताकि जब पार्टी या कैंडिडेट वोट मांगने आए तब उनका बोलबाला ज़्यादा हो, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा फेवर मिले। और ऑब्वियस ही बात है कि जो पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट होगा वो एक बड़े ग्रुप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा एज़ कम्पेयर टू स्मॉल ग्रुप, क्योंकि बड़े ग्रुप का वोट बैंक बड़ा होगा, उसे वहाँ से ज़्यादा वोट मिलेंगे।
आए समझ में? तो यहाँ पर ध्यान से सोचना कि यहाँ पर पॉलिटिक्स के चक्कर में कास्ट पर असर पड़ रहा है। पहले हमने पढ़ा था जिसमें हम देख रहे थे कि कास्ट का असर पॉलिटिक्स पर पड़ रहा था, यहाँ उल्टा है। यहाँ हम बेसिकली ये देख रहे हैं कि पॉलिटिक्स का असर कास्ट पर क्या पड़ता है। आया समझ में? दूसरा पॉइंट है कि जब अलग अलग कास्ट ग्रुप कोलिजन बनाते हैं, मतलब एक साथ आते हैं इलेक्शन के लिए, तो उनके बीच में डायलॉग और निगोशिएशन भी देखने को मिलता है, मतलब आपस में कई सारे समझौते किए जाते हैं। तीसरा पॉइंट है कि पॉलिटिक्स की वजह से नए तरह के कास्ट ग्रुप्स भी फॉर्म हो जाते हैं, जैसे कि बैकवर्ड क्लास, फॉरवर्ड क्लास, ताकि राजनीति के क्षेत्र के लिए उनको आसानी से टारगेट किया जा सके। आया समझ में? तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो ये कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होती है वो सही होती है या गलत होती है, चलिए जानते हैं। तो कास्ट का पॉलिटिक्स में आना या पॉलिटिक्स का कास्ट में आना सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, क्योंकि कास्ट डिफरेंट टाइप ऑफ रोल प्ले करती है पॉलिटिक्स में। तो हम दोनों एस्पेक्ट को समझते हैं। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव रोल देखते हैं। एक बात हम जानते हैं कि इलेक्शन के टाइम पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो ज़्यादातर इलेक्शन जीतने के लिए अलग अलग कास्ट ग्रुप्स और कम्युनिटीज़ को टारगेट करती हैं। अब ऐसे में क्या होता है, ऐसे कास्ट ग्रुप्स या ऐसी कम्युनिटीज़ जिन्हें पहले पूछा नहीं जाता था, मतलब जिन्हें पहले डिसएडवांटेजेस फेस करने पड़ते थे, अब चूंकि इलेक्शन है तो उन्हें हर पार्टी टारगेट करेगी। ऐसे में उन्हें एक मौका मिल जाता है अपनी बात आगे रखने का और पावर हासिल करने का। तो हम लिख सकते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ कास्ट डिफरेंसेस इन पॉलिटिक्स गिव्स मैनी डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटी द स्पेस टू डिमांड देयर शेयर ऑफ पावर। आया समझ में? दूसरा पॉजिटिव रोल ये देखने को मिलता है कि कास्ट पॉलिटिक्स की वजह से जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग होते हैं, जैसे कि दलित्स और ओबीसी कास्ट के जो लोग होते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि कास्ट पॉलिटिक्स की वजह से उनके लिए बेहतर डिसीजन लिए जाते हैं। तीसरा पॉजिटिव रोल ये देखने को मिलता है कि जो सेवरल पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो कास्ट पॉलिटिक्स की वजह से ऐसे मुद्दों पर भी आवाज़ उठाने लगते हैं, जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म होना चाहिए जातियों को लेकर, उन्हें भी सम्मान मिलना चाहिए, उन्हें भी लैंड रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज़ पर ज़्यादा एक्सेस मिलना चाहिए। तो इस तरह के पॉइंट्स भी सामने उभर कर आते हैं। तो ये तो हमने पॉजिटिव रोल देखे कास्ट पॉलिटिक्स के। अब हम नेगेटिव रोल्स देखते हैं। तो नेगेटिव रोल्स देखने को तब मिलते हैं जब हम कास्ट को ही सबसे ऊपर मानने लगते हैं, मतलब जब पॉलिटिक्स अकेली कास्ट आइडेंटिटी के बेसिस पर ही होने लगे, तो वो हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा अनहेल्दी माना जाता है। तो बड़े और ज़रूरी इशूज़ जो होते हैं, जैसे कि पॉवर्टी, डेवलपमेंट, करप्शन, इन पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना देना चाहिए, बल्कि इन पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी होता है रेदर देन कास्ट। तीसरा नेगेटिव रोल ये देखने को मिलता है कि इसी कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स की वजह से कई बार टेंशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हमें कॉन्फ्लिक्ट्स और वॉयलेंस भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपने इस चैप्टर से कई सारी नई बातें सीखी होंगी। ये चैप्टर हमारे एग्ज़ाम के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे रियल लाइफ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, जिसे आज हमने इस वीडियो में कवर किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।